तो हे गाइस वेलकम बैक, साहिल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और वह मेरे दोस्त, हम निकल लेते हैं आज अपने पुलिया पे जो हम लोग घूमने जाते थे। तो हम आज का व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ टाइप ऐसा दिख रहा है, वहाँ ठेले की दुकान भी लगी हुई है। तो हम इधर से गुजर रहे थे तभी दिखे हमारे ठेकेदार साहब जो यहाँ बैठ कर आराम से बैठे हुए हैं। इंजीनियर भाई बात करते हुए इंजीनियर साहब से थे तो हमें दिखा गाठी, देख सकते हैं यहाँ इंजॉय करते हुए अपनी लंबरगिनी से जा रहा है। भाई किधर जा रहे हो? ये कह रहा है घर की ओर जाते हुए लंबरगिनी से, इसके पापा भेजे थे दवा लेने के लिए। हम भी बैठने जा रहे हैं, ये भी बैठने जा ही रहा है, देख सकते हैं आप। तो हम मिलते हैं आपको आगे महाकाल पुलिया पे, तो बने रहे। तो हम पहुंच चुके हैं हम लोग सी कोचिंग की तरफ। तो आप देख सकते हैं सी कोचिंग, इधर बच्चे खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे। ये हमारा सी कोचिंग सेंटर है, देख सकते हैं। तो ये देखते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने पुलिया पे। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर रोज डेली का बैठना है। हम जो भी अपना काम वाम करते हैं हम यहीं से करते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं, देख सकते हैं ये हमारा है पुलिया। ये गाठी भाई ये राइडर बन रहा है तभी तो फिलहाल। ये देखिए दूसरा राइडर निकल चुका है साइकिल लेकर। किधर जा रहे हो? देखिए राइडिंग करते हुए धूम मचा ले। तो हम आगे चलते हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर महाकाल पुरिया पे यानी शिवकाल पर्वत की ओर। तो हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो भाई मिला। पहले कह रहा भाई पहले एक राइडिंग का वीडियो ले लो उसके बाद हम चला जाएगा। तो भाई पहले राइडिंग का कर दिखा रहा है, उसके बाद तो बने रहे आपको दिखा रहे हैं। भाई करके भी दिखाओ, देख सकते हैं भाई बहुत ही खतरनाक उठाया। तो भाई कैसा लगा आप भी कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अभी यहाँ पर सी कोचिंग सेंटर की छुट्टी होगी तो कुछ बच्चे इसको मोबाइल लेना है तो यहाँ से ले लेता है। तो हम आगे चलते हैं। गाठी का मोबाइल ही ले गया था, गाठी का मोबाइल देने के लिए आ गया है। काका देख ले भाई, काका देखे हो भाई? इंस्टाग्राम है, नहीं देखेंगे डाउनलोड हो जाएगा ना, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने में समय लगता है, पासवर्ड मांगकर। पहले तो मिल गया, चलो तो ठीक है। जाओ जाओ, मलिया का फोन आ ही रहा होगा भाई, यही तो नहीं करता मैं। हाँ कोई यहाँ चीनर आ गया जो साइकिल को ठोक दिया। कलजवा छूट गया है, यहाँ पूछ रहा के है, यहाँ पूछ रहा कौन है तो बताओ कौन है। सब अपने अपने घर जा रहे हैं, तो ये अपनी लंबरगिनी को घर रखने जा रहा है। तो चलते हैं आगे शिवकाल पर्वत पे। तो देख सकते हैं रास्ता बहुत ही बेहद जोखिम उठाने वाला रास्ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इधर से होते हुए हम लोग को जाना है। कितना आलिशान लग रहा है यहाँ पर। ओह तो ये चाचा जी क्या कर रहे हैं वहाँ पर कोने में? देखिए भाई देख रहे हैं। तो भाई कुछ क्या कर रहे हैं तो पता नहीं, तो दिख तो नहीं रहा है, लग रहा है पाइप लगा रहे हैं तो वहाँ पर कर रहे होंगे। तो हम चलते हैं अभी, दिखा रहे हैं आपको शिवकाल पर्वत की ओर। देख सकते हैं हम यहाँ तक फिलहाल पहुँच, दिल थाम कर बैठ जाइए। तो फिलहाल हम पहुँचने वाले हैं अपने शिवकाल पर्वत की ओर। तो भाई है मैच अभी देख रहा है। तो फिलहाल गाइस देख सकते हैं आप महाकाल पुलिया पर पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा, अब तो लगभग बहुत ही ज़्यादा घास जम चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर पहले मैच होता था जो बहुत लोग आकर यहाँ पर खेलते थे, और बर्थडे का भी प्रोग्राम यहाँ पे लोंडो का मनाया जाता था। लेकिन कुछ कारण यहाँ पर पानी भरने की वजह से यहाँ पर सब बंद हो गया है। देख सकते हैं अब इतनी बड़ी घास जम चुकी है, तो भाई कौन यहाँ क्रिकेट खेलेगा? देख सकते हैं आप, तो ये भाई तो मैच ही दीवाना है।
देख सकते हैं। ओ भाई इधर देख, मैच ही देखेगा। देखिए अभी तो मैच ये देख रहा है, तो हम कुछ और दिखाएं आपको। इधर हम पहुंच चुके हैं महाकाल पुलिया पे, तो बहुत ही घास जम चुका है। अब भाई महाकाल पुलिया पर आएंगे शिवकाल पर्वत पे, तो घास वास तो पाएंगे ही लोग। यहाँ पर आने के बाद बहुत आनंद आता है। देखिए हमारे दो भैया लोग यहाँ ऑलरेडी पहले से पहुंचे हुए हैं। ये हमारे सूरज भैया देख सकते हैं, अरे हमारे राजकुमार भैया लगे। ये महाकाल पुलिया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं महाकाल पुलिया कैसा लगा। देख सकते हैं इधर बहुत लोग आकर बैठते हैं, और इधर जितने भी आर शिव कुमार यादव बच चुके हैं। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।